नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप बराड़ अपनी नई वीडियो लेके आया हूँ। मेरा जो चैनल है जीके जेएस बराड़, उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके किसी भी प्रकार की कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं और एक बेल आइकॉन होगा उसको आप टच कर दीजिए, जिसके मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी वो आपके पास अतिशीघ्र बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। आज का जो टॉपिक मैं लाया हूँ, मन की बात। मन की बात आप जानते हो, नरेंद्र मोदी जी का एक शो है जो वो चलाते हैं। मन की बात हर मंथ वह इस टॉपिक मन की बात पे किसी टॉपिकों पे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे 15वें प्रधानमंत्री हैं और मन की बात का जो प्रोग्राम का पार्ट था वो 45वां पार्ट था। उसमें उन्होंने निम्न बातों पे चर्चाएं की, वो जो थी भारत अफगानिस्तान टेस्ट मैच, जो कि एक रोचक बहुत ही आश्चर्यजनक की बात थी। हम सोच नहीं सकते थे वह इस टॉपिक पर बात करेंगे। नेक्स्ट था उनका योग दिवस पर बात की थी। थर्ड उन्होंने डॉक्टर्स डे पर बात की थी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश वर्ष पर बात की थी उन्होंने, और कबीर जी पर बात की थी। जलियांवाले बाग हत्याकांड पर उन्होंने बात की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर उन्होंने बात की थी, और जीएसटी पर उन्होंने बात की थी। नेक्स्ट अपने इसको विस्तार से लें तो पहला जो है वो है भारत अफगानिस्तान टेस्ट मैच, जो कि 14 जून 2018 को बेंगलोर में खेला गया। ये इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि इसमें अफगानिस्तान का यह पहला मैच था। अफगानिस्तान को टेस्ट टीम का दर्जा दिया गया है, उसके बाद यह है उनका पहला मैच था। टेस्ट टीम्स के बारे में बता दूं मैं आपको, 12 टीमें को अभी तक टेस्ट का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। इससे पहले अफगानिस्तान से पहले आयरलैंड को दिया गया था, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ अपना पहला टेस्ट मैच खेला, और भारत को यह दर्जा मिला था सन 1932 में। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड से। सी के नायडू भारतीय टीम के कप्तान थे उस टाइम, और ये क्वेश्चन बनता है कि टेस्ट भारत के पहले टेस्ट कैप्टन कौन थे? सी के नायडू। भारत 158 रन से यह मैच हार गई थी। और जो कि टेस्ट मैचों की शुरुआत की बात की जाए तो पहला टेस्ट मैच 1877 में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबर्न में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई थी मैच इंग्लैंड को हरा कर, ठीक है। तो ये तो हुई इसमें बात। इसमें क्या था, क्योंकि जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उन्होंने प्रधानमंत्री को टैग करके कहा था कि हमारा हीरो रशीद खान के बारे में कुछ बात की थी। रशीद खान का जो संबंध है वो किस खेल से, तो आप क्रिकेट से जोड़ेंगे। रशीद खान जो हैं अफगानिस्तान के एक स्पिन बॉलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो उन्होंने टॉपिक पे बात की थी वो की थी योग दिवस, ठीक है। योग दिवस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो ये कि योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। इस बार योग दिवस की थीम क्या थी? थीम थी योग फॉर पीस, और इसका जो राष्ट्रीय समारोह था वो कहाँ पे हुआ? देहरादून में, ठीक है। देहरादून है जो उत्तराखंड की राजधानी है, और उत्तराखंड के जो सीएम है वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि 21 जून का दिन का वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए मनुष्य को लंबी आयु देने के लिए 21 जून का दिन चुना गया, क्योंकि वो सबसे लंबा दिन होता है। पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया जाता है। इसके बारे में हिस्ट्री में बात कर लें कि योग के बारे में, योग के बारे में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक भाषण में प्रधानमंत्री ने योग के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। और जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ की जो बैठक हुई थी उसमें 177 देशों ने ये जो योग दिवस बनाने के लिए अपनी अनुमति दे दी, जो कि सबसे बड़ी संख्या किसी भी प्रस्ताव पर अनुमति देने के मायने में। 177 सदस्य हैं, जो कि 198-99 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें से 177 जनों ने अनुमति दी थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। पहला योग दिवस का जो विशेष समारोह था वो दिल्ली के राजपथ में किया गया, जिसमें 35,985 लोगों ने, प्रधानमंत्री भी उस सम्मेलन में उपस्थित थे, उस जगह पे उपस्थित थे प्रधानमंत्री के साथ 35,985 लोगों ने वहाँ पे अपनी उपस्थिति, जिसमें अमिताभ बच्चन और 84 देशों से अलग अलग प्रतिनिधि भी आए थे, जो एक जगह पर आए हुए सबसे अधिक प्रतिनिधियों में से थे, ठीक है। द्वितीय जो योग दिवस था वो चंडीगढ़ में आयोजित किया गया 21 जून 2016 को। नेक्स्ट 21 जून 2017 को लखनऊ में
प्रदर्शित किया गया, और इस बार वाला कहाँ पे किया गया, देहरादून में। यह अपने लिए इम्पोर्टेंट है और ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आप के एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तीसरे नंबर पे उन्होंने बात की डॉक्टर्स डे के डे पे। डॉक्टर्स डे जो मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है, अभी आने वाली 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाएगा। 1991 में पहली बार विद्यान चंद्र रॉय की याद में, विद्यान चंद्र रॉय की याद में यह जो बनाया जाता है, सर्वप्रथम कब बनाया गया, 1991 में। विद्यान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। वह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वह मुख्यमंत्री रहे थे और एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनकी याद में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी गुरु नानक देव जी के प्रकाश वर्ष की, ठीक है, जो कि अब गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष बनाया जाएगा 2019 में, ठीक है। सिखों के आदि गुरु थे, यानी कि प्रथम गुरु थे सिखों के, ठीक है। उनका जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी, जो वर्तमान में नानकाना पाकिस्तान में स्थित है, नानकाना साहब पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 में करतारपुरा पाकिस्तान में हुई थी। जो करतारपुरा जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी वो करतारपुरा इन्होंने ही बसाया था, ठीक है। जो नेक्स्ट उन्होंने बात की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो की थी संत कबीर पर, ठीक है। कबीर पर इन्होंने काफ़ी 2-3 दोहे भी बोले थे, नाटकीय अंदाज में काफ़ी अच्छे दोहे बोले थे कबीर के बारे में। और कबीर की बात की जाए तो पहली बात तो इनका समाधि स्थल क्यों आई इनकी बात, क्योंकि अभी हाल ही में ये कबीर की समाधि स्थल पे जाके इन्होंने एक राष्ट्रीय उत्सव, वहाँ का राष्ट्रीय उत्सव 2 दिन का उत्सव है, उसकी उद्घाटन की थी, ठीक है, इसलिए इसका नाम आया था मन की बात में। कबीर जी का समाधि स्थल है जो मगहर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 15वीं सदी के कवि व संत थे वह। कबीर के दोहे आदि ग्रंथ यानी कि हमारे सिखों के आदि ग्रंथ में स्थित है, सिखों के आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के दोहे हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1398 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनके जन्म पर थोड़ी सी मतलब जो विद्वान है उनका थोड़ा सा आश्चर्य है, कोई काफ़ी विद्वान इनका जन्म काशी में मानते और काफ़ी विद्वान वाराणसी में मानते हैं। और इनका एक खुद का भी एक दोहा है, ठीक है, काशी में प्रगटे भाए, ठीक है, रामनंद चिताए, काशी में प्रगटे भाए रामनंद चिताए, ठीक है, इसके हिसाब से इनको माना जाता है काशी में इनकी जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1494 मगहर उत्तर प्रदेश में। इन्होंने मगहर में उत्तर प्रदेश में जाके इनकी मृत्यु हुई क्योंकि उस समय जो प्रचलित एक कृति थी, ठीक है, कृतियों का विरोध करते थे ये, उस समय प्रचलित कृति थी कि अगर आपका आपकी मृत्यु काशी में होगी तो आप स्वर्ग में जाओगे, अगर आपकी मृत्यु मगहर में होगी तो आप नरक में जाओगे। तो उस कृति को तोड़ने के लिए यह मगहर गए और वहाँ पे अपने शरीर का त्याग दिया कि उस कृति को तोड़ने के लिए इन्होंने वहाँ पे मगहर पे जाके अपनी शरीर का त्याग दिया। इनकी प्रमुख कृति है बिज्जिका। बिज्जिका भी एक नामक ग्रंथ है इनके, जिसमें दोहे हैं अलग अलग में बांटे हुए हैं, ठीक है। इनके 3 पार्ट है बिज्जिका के भी, साखी साबंध और रेमणी, ठीक है, वो कभी और किसी वीडियो में अगर आप अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो बात की थी इन्होंने वो की थी, हाँ, कबीर के बारे में एक बात और फेमस है कि कबीर जो थे वैष्णव संत आचार्य रामनंद को जी को अपना गुरु मानते थे। कबीर जी वैष्णव आचार्य रामानंद को अपना गुरु मानते थे, लेकिन रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। फिर भी वह अपने मन ही मन में रामानंद को अपना गुरु मानते थे, ठीक है। एक बार क्या था कि रामानंद को अपना गुरु मानते थे, रामानंद से दीक्षा लेने का प्रयास किया लेकिन रामानंद ने नहीं दी, और सुबह 4 बजे रामानंद जी स्नान करने नहर पर जाते थे। तो एक बार कबीर जी ने क्या किया, उनकी सीढ़ियों पर सुबह उठ के जब वो स्नान करने जा रहे थे अंधेरे के टाइम, उनके सीढ़ियों पर लेट गए, जब रामानंद जी सीढ़ियों से उतरने लगे तो उनका पैर कबीर जी के धड़ पे पड़ा, शरीर पे पड़ा, ठीक है। तो रामानंद जी के मुंह से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने अपने दक्षिणा मानकर उनको अपना गुरु मान लिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की थी नरेंद्र मोदी जी ने वो किया जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि आने वाली 13 अप्रैल यानी कि 2019 को ये इसके 100 साल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस पे बात की, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में
अमृतसर के पास स्वर्ण मंदिर के पास यह स्थान स्थित है। रोलेट एक्ट का विरोध करने में एक जनसभा हो रही थी जहाँ पे बहुत से किसान, बच्चे, महिलाएं एकत्रित थी, उसके विरोध रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। ठीक है, उस रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उस पर एक अंग्रेजों अफसर जनरल डायर ने अचानक गोलियां चला दी जिसमें से हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए और 2,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अंग्रेजी आंकड़ों के अनुसार यह बहुत कम बताए गए थे। उन्होंने बताया कि 200-250 लोग मारे हैं और 300-350 घायल हुए हैं, जो कि नहीं था। सच बात यह थी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग मरे थे। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी GST। GST तो आप सभी जानते हो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, 14 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। क्यों बात की, क्योंकि इसका एक साल होने वाला है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ है। अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जो आप वस्तुओं पे लगता है, जिसका मतलब प्रत्यक्ष कर होता है जो सीधा जनता से लिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर किसी वस्तुओं पे लगाया जाता है लेकिन जिसका प्रभाव क्या पड़ता है, जनता पे ही पड़ता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है ये। संविधान संशोधन के तहत इसमें बदलाव किया गया। संविधान संशोधन के तहत इसमें बदलाव करके यह कर पास किया गया। 122वां संविधान संशोधन था जो कि 14 को जिसकी पेशकश की गई, उसके तहत बदलाव करके यह कर चालू किया गया। ठीक है, पहले 17 अलग अलग तरह के कर होते थे, अब इन करों को समाप्त करके एक ही कर बना दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक पे बात, GST ने जो सरकार है हमारी, उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। ठीक है, अलग अलग करों को GST के लिए एक समिति बनाई गई है। ठीक है, यह कर GST प्रतिशत मतलब इस पे फैसला करता है, उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर लिए जाते हैं। इसका GST प्रतिशत का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि GST प्रतिशत का अध्यक्ष कौन होगा, वित्त मंत्री होगा, और अन्य राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। राज्य अपना किसी और प्रतिनिधि को भी भेज सकती है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रह गए अपने, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, GST वित्त मंत्री होते हैं और राज्य अपने किसी और जाने को भी भेज सकते हैं। GST की 4 स्लैबें होती है, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन इम्पोर्टेंट जो स्लैब है वो अपनी है 18% की। GST के संयुक्त सचिव है धीरज रस्तोगी। ठीक है, और 4 मई 2017 को GST की 27वीं मीटिंग हुई थी। 1 जुलाई 2018 को इसकी क्या हो जाएगी, एक साल की अवधि पूरी हो जाएगी, इसलिए प्रधानमंत्री ने इस पर चर्चा की। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपने श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो 6 जुलाई 1901 को जन्म हुआ था, जिनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा 6 जुलाई 2018 को। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 23 जून 1953 में। उन्होंने भारतीय जनसंघ नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी, जो आगे चल के किस में तब्दील हुई, भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनसंघ संघ की नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना किसने की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी की स्थापना की। ठीक है, वाणिज्य व उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं, ये बंगाल के वित्त मंत्री भी रह गए और कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुत ही अच्छी बढ़िया चीज़ है। वाणिज्य इनके काल में काफ़ी औद्योगिक विकास हुआ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया फैक्ट्रीज लगी। हिंदुस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री इनकी ही परिणाम है। ठीक है, बंगाल के वित्त मंत्री रहे हैं ये। ठीक है, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। और 6 जुलाई 2018 को इनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो अच्छा, ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।